पृथ्वीपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमन अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता है। रमन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी वजह से उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए रमन रिक्शा चलाया करता है। रमन काफी गरीब है और उसका सिर्फ एक सपना है कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमन अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसका बेटा शिवम उसकी पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। रमन फौरन उठकर शिवम पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर शिवम डर जाता है और कहता है, पापा वो क्या? वो मैं क्या बोल। शिवम अपनी आंखें शर्म से नीचे कर लेता है। तू चोरी कर रहा था? नहीं पापा, वो अरे वो से आगे बोलेगा कुछ? अपने पापा को चिल्लाता देख शिवम रोने लगता है। तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से तुझे अपने ही बाप की जेब काटनी पड़ी? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि तुझे किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकूं, और तू चोरी सीख रहा है। रमन की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी श्वेता वहां आ जाती है और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। क्या हुआ शिवम, और तू रो क्यों रहा है? शिवम कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता रहता है। ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो पूछ इससे, क्या कर रहा था ये? और अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग भी लेता, और अगर इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है तो काम न सीख ले। क्या कर रहा था बेटा? शिवम कुछ ना बोला। देखा, मुंह नहीं खुल रहा इसका, रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। ऐसा क्यों किया बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या? और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर रमन वहां से चला जाता है और श्वेता शिवम से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे तुझे? मैं भी नहीं बता सकता माँ। अरे अपनी माँ से क्या छिपाना, मैं हूँ ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे बेटा। नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। ऐसा क्या काम है? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। ये कहने के बाद शिवम वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर शिवम नहीं रुकता। शिवम घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं, आखिर कहां से 500 रुपए का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है, अगर आज शाम से पहले पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। शिवम अपनी सोच में खोया होता है, तभी उसका दोस्त राघव उसे आवाज देकर बुलाता है। शिवम, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई आजाद देश है, कहीं भी रह सकता हूँ मैं। तेरे जोक्स तेरे तरह ही बेकार होते जा रहे हैं, तू तो अपनी तरह नए कर ले। चुप रे भाई, वैसे ही परेशान हूँ मैं। अबे भाई के होते हुए परेशान, क्या बात है बता? क्या कर लेगा जानकर, परेशानी दूर कर देगा? हाँ दूर तो नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। मुझे शाम से पहले 500 रुपए चाहिए और मुझे वो पैसे कमाने हैं। अच्छा देख, तरीका तो है पर तू कर नहीं पाएगा। बता बता भाई, मैं कर लूंगा। मेहनत का काम है भाई, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा। अच्छा तो मार्केट चल, बताता हूँ। रमन और श्वेता शाम को घर के कुछ सामान लेने मार्केट जाते हैं और वो एक दूसरे से शिवम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। क्या लगता है शिवम पैसे क्यों ले रहा था? पता नहीं जी। तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? हाँ पर उसने कुछ बताया ही नहीं, वो बस बोला कि कुछ काम करना है। तुमने पूछा नहीं क्या काम? पूछा पर उसने बताया नहीं, वो बोला अभी बता नहीं सकता। ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? पता नहीं। कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। हाँ भरोसा तो मुझे भी है, पर ये दुनिया पहले जैसी मासूम नहीं रही।
हम गरीबों को ना चाहते हुए भी ऐसे कामों में घुसा देती है जहां हम कभी जाना नहीं चाहते। नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सही कहती हो, मैं भी बिना जाने बहुत चिल्ला पड़ा उस पर। अगर वो चोरी कर भी रहा था तो इसलिए ना, क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वह दोनों थोड़ा आगे चलते हैं कि रमन अचानक रुक जाता है। उसे देख श्वेता भी रुक जाती है और उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? वो देखो। श्वेता वहां देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि शिवम एक फैक्ट्री से भरे हुए बोरे उठाकर ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देख करके तो रमन रोने लगता है और वह वहां से चला जाता है। श्वेता भी उसके पीछे चली जाती है। रुकिए जी। इससे बढ़िया तो मैं उसे पैसे निकालने देता। जब वो घर आएगा उससे बात करेंगे ना। क्या बात करेंगे? ये पूछेंगे कि वो काम क्यों कर रहा है। अरे वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है जी। श्वेता रमन को समझाने की कोशिश करती है पर रमन एक नहीं सुनता, वो सीधे घर चला जाता है। रात का वक्त है, रमन और श्वेता शिवम का इंतजार कर रहे हैं। ओफो, ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, आप परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हो। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी शिवम वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे मार पापा। शिवम की आवाज सुनकर रमन और श्वेता चौंक जाते हैं। हाँ? शिवम के हाथ में एक केक होता है और वो कहता है, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि आपके माता पिता ने आप दोनों को ही कभी नहीं बताया कि आपका जन्मदिन कब है, तो आज से हर साल 1 मार्च को मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर रमन शिवम को गले से लगा लेता है और कहता है, तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुझ पर इतना चिल्लाया, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे पापा कोई नहीं, चलिए अब केक काटते हैं। रमन और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं।